कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा के बयान पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि 24 घंटे से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है और इसे कांग्रेस का आधिकारिक बयान मानना चाहिए। वही छिंदवाड़ा लफ्जियात मामले पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ऐसे मामलों पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। जो लोग भी धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। किसी नेतृत्व ने इसके विषय में कोई बात नहीं की और घमंड दिखाते हुए, एरोगेंस दिखाते हुए के मिश्रा जी ने इससे और ज्यादा गलत बात की। मुझे लगता है कि यदि 24 घंटे बीतने के बाद भी कांग्रेस नेतृत्व ने के मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, इसका मतलब ये कांग्रेस का अधिकृत बयान है। हिंदू धर्म, हिंदू समुदाय से जुड़े हुए अलग अलग प्रकल्पों को गाली देना, उनको नीचे दिखाना, यह कांग्रेस का एजेंडा है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, हिंदू समुदायों का अपमान करना, यह कांग्रेस का एजेंडा। और क्यों, कहीं भी किसी भी स्थान पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार ने कानून की परिधि में इसको लेके आया है और यह सुनिश्चित किया जाएगा यदि कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन के कुविचार के साथ यदि किसी को बरगलाता है तो यह सहन नहीं किया जाएगा, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।